Good afternoon friends, welcome to the YouTube channel Automatic the Mechanical Club. आज का हमारा टॉपिक है क्लॉसियस इनइक्वालिटी. ठीक है, तो आपने बहुत बार बुक्स में देखा होगा. ठीक है, अजीब तरीके से इसकी डेरिवेशन दी होती है आपको. ठीक है, और कई स्टूडेंट्स को समझने में भी प्रॉब्लम होती है. ठीक है, तो इसे सिंपल तरीके से समझने के लिए मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बनाते हैं. ठीक है, तो इसे आसान तरीके से समझने के लिए आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ. ठीक है, इसे समझने की कोशिश करेंगे आसान तरीक़ों में. ठीक है, सिंपल है, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. तो देखिए क्लॉसियस इनइक्वालिटी क्या है आपका, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है, सिंपल सी चीज़ है. एक मिनट. ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कर्ली जैसा कुछ बना हुआ है. ठीक है ना, और सेंटर में सर्कल है अगर आप यहाँ पे देखो तो. ठीक है, तो ये क्या है, इसको बोलते हैं साइक्लिक इंटीग्रल. ठीक है ना, क्या बोलते हैं, साइक्लिक इंटीग्रल. ठीक है, और ये है डी क्यू बाई टी. ठीक है, तो डी क्यू का मतलब आपने कितनी हीट सप्लाई करी किसी सिस्टम में. ठीक है, और टी का मतलब कितने टेम्परेचर पे. ठीक है, और साइक्लिक इंटीग्रल का मतलब एक साइकिल में आपने पूरे कंप्लीट में कितने हीट सप्लाई करी और कितना टेम्परेचर पे सप्लाई करी. ठीक है, तो ये जो होता है हमेशा लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो होता है. ठीक है ना, द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ हीट सप्लाई डिवाइड बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज़ लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो ऑलवेज. ठीक है ना, तो या तो लेस देन ज़ीरो होगा या इक्वल टू ज़ीरो होगा. ठीक है ना, तो देखते हैं, अगर वो इक्वल टू ज़ीरो आता है तो उसको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस. क्या बोल देंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस है वो. ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं आपके एसएससी जेई में भी आते हैं. ठीक है ना, और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं. ठीक है, और अगर वो लेस देन ज़ीरो है तो उसको बोलते हैं ई रिवर्सिबल प्रोसेस. ठीक है, ई रिवर्सिबल. ठीक है, और अगर आपका ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाता है, अगर कोई ये कहता है आपको, ठीक है ना, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है. ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, मतलब वो झूठ बोल रहा है या तो. ठीक है, सो अब एक देखते हैं यहाँ पे हम एक सिस्टम कि किस तरह से, क्या मतलब है साइक्लिक इंटीग्रल का. ठीक है, एक हमने सिस्टम कंसीडर किया है यहाँ पे, ये इंजन है. ठीक है ना, और ये क्या कर रहा है, हमने टी वन टेम्परेचर पर क्यू वन हीट सप्लाई करी, इतना हमें वर्क डन मिल गया, और ये इसने दो सिस्टम्स में हीट रिजेक्ट कर दी, एक इस सिस्टम में एक इस सिस्टम में. ठीक है, तो क्यू टू टी टू टेम्परेचर पर क्यू टू हीट रिजेक्ट करी है, और तीसरी टेम्परेचर पर क्यू थ्री हीट रिजेक्ट करी है. ठीक है, सो आपको पता है फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस दिस इज़ अप्लाइड. ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे, आपको अभी बताया कि इसका टोटल. ठीक है ना, ये साइक्लिक पूरे साइकिल में, तो क्या लिखेंगे, हमने हीट सप्लाई करी क्यू वन बाई टी वन. ठीक है, सो हीट जब एंटर करती है, इनपुट होती है, तो उसे हमें प्लस में लेते हैं. ठीक है ना, सो इसलिए क्यू वन बाई टी वन, और जब हीट रिजेक्ट होती है तो उसे हमें नेगेटिव लेते हैं, तो ये माइनस क्यू वन बाई टी टू, फिर माइनस क्यू थ्री बाई टी थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो. ठीक है, सो ये एक इक्वेशन बन गई. ठीक है, और क्या होगा, अगर आपने क्यू वन हीट सप्लाई करी है और वर्क डन आपको मिलता है डब्ल्यू. ठीक है, और आपने हीट रिजेक्ट कितनी करी है, क्यू वन और क्यू थ्री, क्यू टू और क्यू थ्री. ठीक है, तो इसको किस तरह से लिखेंगे, क्यू वन माइनस क्यू टू माइनस क्यू थ्री इज इक्वल टू डब्ल्यू. ठीक है ना, पता है आपको कि वर्क डन हमें मिला हमने, और क्यू टू को माइनस में लेना है, आपको पता है हीट रिजेक्शन है, और क्यू थ्री में माइनस में. सो इस तरह से न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व हो सकते हैं अगर आप करना चाहते हो तो. ठीक है ना, न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस. ठीक है, गेट में आया था क्वेश्चन, सो आप उसके लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो. एक क्वेश्चन उनमें से भी इन इक्वेशन से क्वेश्चन बन जाता है. ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस में जस्ट आपने वैल्यू कंप्यूट करनी है और आंसर अपना कैलकुलेट कर लेना है. ठीक है, और अगर हम बात करें रिवर्सिबल में किस तरह से होता है, तो देखिए ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस मैंने कंसीडर किया है. ठीक है ना, इसकी डेरिवेशन जो होती है कैसी, ज़ीरो के इक्वल हो जाता है. ठीक है, सो डेरिवेशन अजीब सी दी होती है बुक में, पता नहीं किस तरह से सिस्टम से आपको अरेंज करके दिया होता है. सो आपको सिंपल तरीके से ऐसे ही करना है. ठीक है, अब उसमें समझ आता है नहीं आता आपको थोड़ा बहुत. ठीक है, तो आप सिंपल सा तरीका है वही देखना आपने. ठीक है, ये हीट इंजन है, ये वर्क डन किया इसने, क्यू वन पे हीट सप्लाई करी और क्यू टू हीट रिजेक्ट कर दी एट टेम्परेचर टी टू. ठीक है, आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना, क्यू वन बाय में टी वन ये जो रेशो रहता है इज़ ऑलवेज कॉन्स्टेंट. ठीक है ना, जिस टेम्परेचर पर हीट सप्लाई करी डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ दैट रिजर्वायर, और जिस टेम्परेचर पर हीट रिजेक्ट करी उसको क्यू टू को ऊपर रखे टी टू नीचे रख दो, तो ये रेशो हमेशा इक्वल रहता है. ठीक है, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है हमेशा. ठीक है, अब आपको पता है डी क्यू बाई टी क्या होगा, साइक्लिक इंटीग्रल, क्यू वन माइनस टी वन माइनस क्यू टू माइनस टी टू, अभी हमने पहले किया. ठीक है, अब क्या होगा, आपको पता है क्यू टू बाय में टी टू तो किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा. तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हैं, बताओ, लिख सकते हैं
अब ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा ज़ीरो। सो इस तरह से ये रहेगा आपका रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए साइक्लिक इंटीग्रल हीट सप्लाइड बाई डिवाइडेड बाई टेम्परेचर इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है ऑलवेज। ई रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करेंगे तो किस तरह से इसका ड्राइव करेंगे, तो देखो किस तरह से ड्राइव करेंगे, तो आपने हम दो सिस्टम कंसीडर करेंगे, एक रिवर्सिबल और एक ई रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का आप देख सकते हो आर लिखा मैंने, आई आर फॉर ई रिवर्सिबल, ठीक है जहाँ पे भी लिखा होगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, ई रिवर्सिबल सिस्टम में सेम हीट सप्लाई करिए सेम टेम्परेचर से, ठीक है। रिवर्सिबल में भी सेम हीट सप्लाई करिए सेम टेम्परेचर, आप देख सकते हो Q1 T1, ठीक है। और वर्कडन हमें मिलेगा WIR, वर्कडन ई रिवर्सिबल और यहाँ पे वर्कडन रिवर्सिबल, ठीक है। अब क्या होगा, ई रिवर्सिबल में हीट रिजेक्शन होगा Q2 IR और रिवर्सिबल में हीट रिजेक्शन होगा Q2 R, ठीक है। अब आप एक चीज़ बताइए, वर्कडन किस में ज़्यादा होगा, रिवर्सिबल में या ई रिवर्सिबल में? सो आप कोई भी बता सकता है आसानी से कि रिवर्सिबल में वर्कडन हमें ज़्यादा मिलेगा रिवर्सिबल के केस में, ठीक है। ई रिवर्सिबल में कम मिलेगा ड्यू टू फ्रिक्शन लॉस, ठीक है, एंड अदर लॉसेस, ठीक है। तो अब क्या कह सकते हो कि जिसमें वर्कडन ज़्यादा होगा उसमें हीट रिजेक्शन कम होगा Q2 R, इसमें Q2 IR ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो आप सिंपल एक चीज़ मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, Q2 R इज लेस देन Q2 IR। सिंपल सी चीज़ है कि हीट रिजेक्शन इन रिवर्सिबल विल ऑलवेज बी लेस देन हीट रिजेक्शन इन ई रिवर्सिबल प्रोसेस इफ द हीट इज सप्लाइड एट द सेम टेम्परेचर एंड द सेम हीट इज सप्लाइड, ठीक है। सो हमने ये लिख लिया। उसके बाद आप किस तरह से लिखोगे ई रिवर्सिबल के सिस्टम को, इस तरह से लिखोगे, एक मिनट, DQ/T रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए Q1/T1 माइनस Q2 IR/T1 रहने वाला है, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। उसके बाद क्या होगा, आपको पता है कि Q1/T1 फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, आपको पता है Q1/T1, अगर मैं रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहा हूँ तो Q1/T1 इज इक्वल टू Q2 R/T2 रहने वाला है, आपको पता है ये चीज़, अभी बताया था मैंने रेशियो कॉन्स्टेंट रहता है तो इसका मैंने एक कंपेयर किया, ठीक है ना। तो ये रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, Q1/T1 की जगह लिख दिया अभी जो बताया आपको, Q2 Rev/T2 लिख दिया, ठीक है, लिख दिया। उसके बाद आपको पता है कि मैंने जस्ट एलसीएम ले लिया, अलग कर लिया, ठीक है ना। अब आपको पता है Q2 Rev माइनस Q2 IR Rev, तो वैल्यू क्या आने वाली है, माइनस क्या आएगी प्लस क्या आएगी, तो आप आसानी से बोल सकते हो कि ये जो ऊपर जो आने वाला है Q2 Rev माइनस Q2 IR, ये माइनस में आने वाला है, ठीक है ना, मतलब लेस देन ज़ीरो, ठीक है। सो आप बोल सकते हो DQ/T साइक्लिक इंटीग्रल इज़ लेस देन ज़ीरो फॉर अ ई रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। एक बार देखो ध्यान से समझ में आ जाएगा, सिंपल सी चीज़ है, बहुत ही आसान है, ज़्यादा मुश्किल तरीके से नहीं लेना, बुक में बहुत अजीब तरीके से दिया होगा आपको, आपने सिंपल समझना है, बहुत ही आसान है। ई रिवर्सिबल में कई स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है, तो इसमें भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही डायरेक्ट आते हैं SSC JE में तो, और न्यूमेरिकल्स गेट की भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है ना, सेकंड लॉ से रिलेटेड और क्लोशियस इनइक्वालिटी को कंपेयर करके बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं गेट में, तो कॉमन चीज़ हो गई है बहुत ही, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, ठीक है। सो अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।